आज थर्ड डे हमारा इस कर्दू में, और आज हम तीन जगहें कवर करेंगे। पहली जगह पे हम पहुंच गए, वो है कटपना डेजर्ट, और ये उसका व्यू है, ये उसकी वैली है, और पीछे पूरा आप देख सकते हैं। ये एक हमारे फारूक भाई भी हैं जो हमारे साथी हैं टूर के। फारूक भाई, हम मौजूद हैं ग्लैम रिसोर्ट में, उनके पास स्पेस भी है अकोमोडेशन के लिए। भाई कुछ आइडिया है यहाँ पर क्या, मतलब रूम का क्या रेंट वगैरह? यार मेरी जो इनसे बात हुई है साथ भाई, वो कपल के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 13,000 है। अच्छा, इसमें हीटेड बेड वगैरह सब कुछ है। हाँ। सारे सिस्टम अच्छा से, और फैमिली अगर है 4-5 बंदों की तो 16,000 करीबन के चार्जेस है। सही। सीजन में, अभी तो ऑफ सीजन इतना है नहीं, आप रश देते हैं, सन्नाटा है। हाँ। तो अगर सीजन में आप आते हैं तो इस तरह के इनके चार्जेस है, और व्यू काफी अच्छा है। व्यू अच्छा है यार, ये आप पीछे देखें पूरा व्यू जो है ना, पूरा लेक, माउंटेन्स, क्लाउड, मतलब अच्छा। एक अगर आपको टाइम लेस वगैरह के लिए बेहतरीन जगह है। और क्या है फर्क भाई? दूसरी तरफ इसके कटपाना डेजर्ट है, उस सामने अच्छा। की तरफ है जहाँ अभी हम वॉक करके जा रहे हैं। अभी हम वॉक करके ऊपर जाएंगे, मतलब ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग नहीं, नॉर्मल सी है, और हम वहाँ पर अभी जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे जो कोल्ड डेजर्ट के नाम से मशहूर है, सरफरंगा डेजर्ट जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर शिखर जाएंगे हम। हम ट्रैकिंग थोड़ी सी है डेजर्ट में, ऊपर जाएंगे, ऊपर के जाके थोड़ा ही, मतलब ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5-10 मिनट आप चलेंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए ऊपर कटपना डेजर्ट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा व्यू है इसका। हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं आज, सरफरंगा डेजर्ट पे, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, और यह हमारा सेकंड पॉइंट है। और यहाँ के सीन कुछ ये हैं।